गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की भी फैसिलिटी देने जा रही है इस दफा फिर 2022 की तरह बिल्कुल उसी तरह आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बट बहुत से लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, हज का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो इस बारे में कम्प्लीटली आपको आज की डिटेल वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो उसको आप जरा वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उमरा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। अप्लीकेशन की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो इनेबल हो गई है, उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हज के लिए। बट केयरफुली पहले अपना आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, CNIC नंबर केयरफुली दीजिएगा। तो आप अपना पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आगे प्रोसीड कर सकेंगे, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अपना जो नेम है, फादर्स नेम है और जो बाकी डिटेल्स हैं, पासपोर्ट का जो नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो आपने बहुत केयरफुली एंटर करनी है, उसमें कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो केयरफुली फिलअप करनी है। फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ और एक डम्मी सा फॉर्म मैं आपको फिल करके दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक जस्ट आपको फॉर्म दिखाकर उसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को जो है वो ओपन कर लेना, ठीक है। ये वेबसाइट का एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है, mora.gov.pk, ये टॉप पर लिखा हुआ है, आपने ये टाइप कर लेना है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, पब्लिक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट हज स्कीम। हमने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज एक सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है उर्दू या इंग्लिश, तो मैं अगर फिलहाल मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँ तो उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि आपने साइनअप होना है, ठीक है। तो साइनअप होने के लिए आप यहाँ साइनअप पर क्लिक कर देंगे और इसको आप में ये फील्ड्स जिनके साथ स्टार लगा हुआ ना रेड कलर में, ये आपने कंपलसरी फिलअप कर, पर हम अपना CNIC दे देंगे, इधर हम अपना मोबाइल नेटवर्क दे देंगे, यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड, और फिर उसको कंफर्म पासवर्ड के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आप ज़रा फिलअप कर लेंगे। मैं इसको पहले ज़रा फिलअप करके साइनअप कर लूँ, उसके बाद फिर ये आपके पास एक फील्ड आ जाएगी और उसके बाद वो आपको बताएगा, थैंक यू फॉर साइनअप, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ प्रोसीड टू लॉग इन फिल एंड सबमिट द हज एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे इसको लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पर आपने अपना CNIC नंबर देना है और अपना पासवर्ड देना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। मैं ज़रा लॉगिन हो जाऊँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी दोस्तों, साइन अप होने के बाद आपके पास इस तरह का, साइन इन होने के बाद भी इस तरह का पेज आएगा, तो आपने इसको करना है क्लिक हेयर टू एड न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। हमने ग्रुप सेलेक्ट करना है तो ग्रुप जो है अगर हम 1 सेलेक्ट कर लें, और प्लेस ऑफ डिपार्चर क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूं तो मैंने मुल्तान करना है, और डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटीज़ तो हम इसको नो कर देते हैं, जो लोग अहले तशी हों वो इसको यस कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने सेव कर देना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें एप्लीकेंट टाइप आपने देखनी है, इसको मैं मेंबर कर देता हूँ क्योंकि मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मेल को हम जेंडर कर देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद देख लें ये फील्ड्स, यहाँ पर देखें आपने अपना CNIC नंबर देना है। अब मैं ये सारी यहाँ पे फील्ड्स नहीं फिल कर सकता क्योंकि वो फिर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने अपना नेम देना है पासपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। फिर आपने अपना नेम, दूसरा नेम देना है जो अपना पासपोर्ट के मुताबिक है। फिर अपना फादर्स नेम देना है, या अगर आपका हस्बैंड है तो उनका हस्बैंड का नेम देना है। फिर आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर अपना पोस्टल एड्रेस आपने देना है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आपने देनी है। उसके बाद आप यहाँ से अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल का नेटवर्क आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ब्लड ग्रुप यहाँ पर से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। कुर्बानी जो है वो ऑप्शनल है, इसको बेसिकली इसको आप यस ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है और जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो दे देनी है, ठीक है। और फिर जो नॉमिनी हो, जो यानी कि आपका जो वारिस होता है,
ठीक है, उसकी आपने यहाँ पर नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, उससे आपका क्या रिश्ता है, कि आपका ब्रदर है कोई है, उसकी आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है, उसका CNIC नंबर आपने यहाँ पर देना है, ठीक है जी, और उसका मोबाइल नंबर दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है। और वो पूछ रहे आपसे, डू यू वॉन्ट टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर ऑटो ट्रांसफर ऑफ रिफंड्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो आप अगर चाहें तो अपने आप बैंक अकाउंट की डिटेल यस कर देंगे तो वो पूछ लेंगे, अगर नो कर देंगे तो आपसे नहीं पूछेंगे। डिटेल ऑफ कोरोना, ये आपसे पूछेंगे कोविड वैक्सीन वैक्सीनेटेड है तो आपका ने अगर वैक्सीनेशन लगवाई हुई है तो यस करना है, और वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई तो इसको आपने नो कर देना है, और फिर इसको आपने कर देना है सेव। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो आपका प्लेस हो जाएगा फॉर्म। मैं इसको कम्प्लीटली फिलअप इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये मैं फिलअप कर दूंगा तो ये मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। मैंने आपको तमाम फील्ड्स जो हैं वो बता देनी है कि आप बता दिए हैं कि आपने किस किस तरह से इसको लेके चलना है। इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर इसमें से मजीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्म कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश ये करूँगा कि जवाब जरूर दूँ। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।